दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय इविंग्स एकेडमी धर्मशाला। 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। राजकीय जिला पुस्तकालय धर्मशाला में स्वतंत्रता आंदोलन पुस्तक प्रदर्शनी आज सोमवार से 15 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। प्रदर्शनी का शुभारंभ पीजी कॉलेज धर्मशाला से रिटायर्ड प्रमुख शिक्षाविद प्रोफेसर रमेश दत्त ने किया। इस दौरान पुस्तकालय प्रभारी कविता, रूमा कुमारी असिस्टेंट लाइब्रेरियन और वंदना भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस प्रदर्शनी में युवाओं को आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की विशेष पुस्तकें रखी गई हैं, जिनसे युवा पीढ़ी उनके बारे में जानकर उनके दिखाए मार्ग पर चल सकती है। आज पुस्तक प्रदर्शनी शुरू हुई है 75वें स्वतंत्रता दिवस पर, कैसे देखते हैं आप? मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज का जो यूथ है वो उन लोगों की कुर्बानी को बिल्कुल भूल रहा है जिनकी वजह से आज हम आजाद हैं। ये जो प्रदर्शनी है इसको देख के जो आज की जनरेशन है उनको पता लगेगा कौन वो विभूतियाँ हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी और उस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हमारे जो कर्तव्य हैं उनको हम कैसे पूरा करें। ये जो लाइब्रेरी का स्टाफ है, जो बाकी लोग हैं, मुझे इस बात की नहायत खुशी है। मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में 30 साल काम किया है, कॉलेज में भी मैंने देखा है कि बच्चों से फिल्मी स्टारों के नाम पूछो तो वो नाम उनको याद हैं, उनकी जन्मतिथि याद है कि जिन लोगों की वजह से हमें ये आज़ादी मिली है, हमें ये छूट मिली है, हम उस छूट का नजायज़ फ़ायदा ना उठाएं, अपने कर्तव्य को समझें और जो उन लोगों की कुर्बानी है उसको याद रखते हुए उनके बलिदान को सकारात्मक रूप से लें। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से विनोद के साथ नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।